हेलो स्टूडेंट्स, ट्रांसकरण में आपका स्वागत है। आज हम जो है हिंदी शॉर्ट हैंड का जो हमारे प्रणाली से हम बता रहे हैं, तो उसमें जो है आज हम बताने वाले हैं हुक और वृत्त का मेल। जब हुक और वृत्त को मिला करके जब हम लगाते हैं तो उसको किस तरीके से और कहाँ हमें प्रयोग करना है उसके बारे में आज बताने चल रहे हैं। तो उसका भाग एक है, तो हम देखते हैं पहला रूल इसमें क्या है। किस्सा और स्वर या वृत्त या अष्ट या लूप आए, ठीक है, क्या इतना आए शुरुआत में। किस्सा स्वा हो या वृत्त हो कोई, या अष्ट हो या अष्ट का लूप हो, और फिर उसके बाद कोई सरल व्यंजन आ जाए। क्या आ जाए? सरल व्यंजन आ जाए, और उसके बाद रड़ा है, तो फिर जो वृत्त लगता है, जो इधर वृत्त लगेगा वो घड़ी के अनुसार लगेगा। कैसे लगेगा? घड़ी के अनुसार लगेगा। जैसे है सक्रिय, तो सक्रिय में सा बनेगा, सा का वृत्त लगेगा, का में लगेगा, और या के लिए हुक लगेगा। जैसे सा का और या, क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सक्रिय। उसके सब्र में सा और बा, ये हो जाएगा सब्र। सब सप्रेम में जो सा है और सब्र हो गया। उसके बाद सप्रेम में सा प्रेम, ये क्या हो जाएगा? सप्रेम में। उसके बाद सप्रेम में ये घड़ी की दिशा में ऐसे लगाएंगे सप्रेम, ठीक है, इस तरीके से। तो वृत्त और लूप जो होगा वो घड़ी के अनुसार लगेगा, घड़ी की दिशा में लगेगा शब्द। उसका नेक्स्ट रूल ये है, शब्द के मध्य में अगर कोई सा का वृत्त आ जाता है या रा हुक, तो सा का वृत्त आ जाता है तो रा हुक के अंदर लगता है। जैसे तस्त्री है, तस्त्री में ता सा ता रा आया है, तो तस्त्री में हमें क्या बनाना पड़ेगा? ता सा का वृत्त लगाएंगे, और ता में दूसरे ता में दूसरे जो रा है उसको दूसरे ता के में हुक लगाएंगे। जैसे देखिए ता लिखा ता और सा, क्योंकि रा बनाया, और तस्त्री, ये हो जाएगा तस्त्री, ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तस्त्री। उसके बाद रेस्त्रा, रेस्त्रा में रा सा त्रा, रेस्त्रा, ठीक है, ये हो जाएगा रेस्त्रा। उसके बाद है जब किसी सरल व्यंजन, तीसरा रूल ये है, जब किसी सरल व्यंजन के शुरू में वृत्त हो और बाद में मेल हो, ठीक है, और बाद में ला हो, क्या आ जाए? बाद में ला हो। शुरू में वृत्त हो और बाद में ला हो, तो हुक और वृत्त दोनों को कैसे लिखना पड़ेगा? दोनों को लिखना पड़ता है। जैसे कि है सबल, तो सबल में जैसे कि मैंने बताया कि अगर जब किसी सरल व्यंजन के शुरू में वृत्त हो, शुरू में वृत्त आ गया सा और बाद में ला का हुक हो, तो सबल पूरा लिखना पड़ेगा सा बा ल, ठीक है। तो सबल में सा लग बनाएंगे ऐसे, ला और बा, सबल, ठीक है, सबल। पुष्कल, तो पुष्कल के लिए पुष्कल, ये हो जाएगा पुष्कल। उसके बाद नेक्स्ट रूल है कि वक्र वर्ण में रा ला हुक वृत्त के अंदर लगेगा, तो रा और ला का हुक जो होता है वृत्त के अंदर लगेगा। तो वृत्त के अंदर जैसे सा फा रा है, तो सफर सा फा बनाएंगे, सा फा में ऐसे ये सफर, और सफर में बड़ा हुक बन जाएगा, तो हो जाएगा सफर ऐसे, ये हो जाएगा सफर। उसके बाद अस्कर के लिए तस्कर तस्कर, और भास्कर भास्कर, ठीक है, ये हो जाएगा भास्कर सा और का। ये कुछ नियम है, इसके बाद जो है कुछ शब्द होंगे जिसको आपको बनाना होगा, जिसका इसी रूल के आधार पर जो आपको आउटलाइन बनानी होगी, वो आउटलाइन आपको बना करके प्रैक्टिस करना होगा। जैसे कि है पहला सजल, इसको बनाना है आपको आउटलाइन के, उसके बाद हम आउटलाइन बनाएंगे, मैच करिएगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा। तो जैसे सजल, सब सप्रेम स्टिक स्टिकर सत सतर्क सफल सकल असफल सतल सचल
सबल सजल मिस्त्री पेस्ट्री पास्कल। ओके, ये सारे शब्द मैंने जो बताया आपको, इसको आपको एक अकाउंटेंट बनानी है, उसके बाद हम जब आउटलाइन आपको बताएंगे इसको उससे मैच करिएगा, फिर उसके बाद इसको प्रैक्टिस करिएगा। ओके, तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को देखते रहें और अपने जो भी आपके जानने वाले हैं उनके साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।